बेस्ट एंड इजी वे फॉर गेटिंग 7+ बैंड स्कोर इन आईएलएस लिसनिंग। 9 बैंड स्कोर लेने का फ़ायदा क्या है? 9 स्कोर लेने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि हमारी फ़ाइल जल्दी लग जाती है और हमारा जो वीज़ा है वो भी जल्दी आ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे हमें, सर आई वांट नाइन बैंड। जो स्टूडेंट्स को एक विश होती है कि मुझे जल्दी जल्दी अपने फॉरेन जाना है या फिर जल्दी जल्दी मुझे अपना सपना पूरा करना है, तो वो 9 बैंड स्कोर लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आप लोगों के साथ एक 9 बैंड लिसनिंग में लेने की एक ट्रिक हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले बात करते हैं रियल एग्जाम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन और PDF चाहिए, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। प्रेडिक्शन लेने से पहले प्रूफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 1, 2, 3 स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हो, स्टूडेंट्स की चैट देख सकते हो। मेरे चैनल पे जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो जो कि 100% है। एवरी वीडियो में मैं ये क्लिप ऐड जरूर करता हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम की है। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर के एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन प्लस PDF प्लस 100% प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं 9 बैंड स्कोर कैसे लेंगे। पहली चीज़, जो हमारी लिसनिंग की स्पीड है एग्जामिनर की ऑडियो की, वो 1.15 और 1.25 के ऊपर देखने को मिलती है। 3 लिसनिंग करने की बजाय कोशिश करो एक ही लिसनिंग को 3 बार करने की, मतलब कि 1 लिसनिंग उठाओ उसको 3 टाइम करो। पहली बार जब आप लिसनिंग को उठाओगे तो कोशिश करना उसको 1.15 की स्पीड के ऊपर करना और आपने उसके आंसर नहीं देखने। सेकेंड टाइम फिर आपने लिसनिंग को करना है 1.15 की स्पीड के ऊपर, आंसर आपने नहीं देखने। थर्ड टाइम फिर उसी लिसनिंग को करना है 1.25 की स्पीड के ऊपर, देन आपने आंसर देखने हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये तीनों फंडामेंटल यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि फर्स्ट टाइम आपके 25-30 सही होंगे, सेकंड टाइम आपके जो आंसर सही हैं वो रॉन्ग होंगे, जो आंसर रॉन्ग है वो सही होंगे, एंड थर्ड टाइम जब आप लिसनिंग को करोगे आपके 38-39 या फिर 40 आंसर सही होंगे, मतलब कि आप 9 बैंड स्कोर। इससे क्या होगा कि इसमें जो रियल एग्जाम में जब आप जाओगे, जो हमारे से आप प्रेडिक्शन PDF लोगे या फिर वो वाली, उसमें आप जब प्रैक्टिस करोगे, उसकी प्रेपरेशन करोगे, तो आपको एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्जामिनर का एक वे समझ आएगा कि एग्जामिनर अगर MCQ पूछ रहा है या फिर फिल ऑफ द ब्लैंक्स पूछ रहा है या इसके अलावा मैचिंग द आंसर पूछ रहा है तो वे किस टाइप से पूछता है। अगर आप टाइप समझ गए ना तो 9 बैंड आपके पक्के हैं, चाहे वो रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे वो लिसनिंग है। सो मेक सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप फॉर ए PDF।